हाय गाइस, तो मैं और ग्रैनी लेकर आए हैं आपके लिए नई धमाकेदार वीडियो। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिटवा बिटवा भाग ग्रैनी, मैंने नए साल में घर की सफाई की है और बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान निकाल के रखा है, उसमें से देख ले कौन सा काम का है और कौन सा रद्दी वाले को देना है। हाँ ठीक है ग्रैनी। अरे तुम दोनों टेंशन मत लो, रद्दी वाले को सामान मैं बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे मस्त पार्टी शार्टी करूंगा। चुप करो बाबू, रद्दी तो मैं ही बेचूंगी और उन पैसों से मैनिक्योर पेडिक्योर करवाऊंगी। जा बिटवा, सामान को ढंग से चुनना, कौन सा फालतू है और कौन सा काम का है। अरे ग्रैनी ग्रैंडपा, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? रद्दी वाले को सामान मैं दे दूंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं ढेर सारी आइसक्रीम खाऊंगा। जो भी पैसे रद्दी वाले से मिले उन्हें चुपचाप लाकर मेरे हाथ में रखना, समझ गया ना? ओह नो। हाँ हाँ ठीक है ग्रैनी। इतना सारा सामान ग्रैनी मीना, अब इसमें से पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम का है और कौन सा फालतू है? नहीं बिल्कुल नहीं नहीं। अरे ये भी कोई रखने की चीज है? अरे ये क्या है? अरे वाह, ये कितना सुंदर चिराग है। थोड़ा गंदा हो गया है, वैसे बहुत सुंदर है। क्या हुक्म है मेरे आका? आका, आपने मुझे कैसे याद किया? आका, मैं कोई आका वाका नहीं हूँ, मेरा नाम आका नहीं है। मुझे पता है मेरे आका। तो फिर तुम मुझे आका क्यों बोल रहे हो और तुम कौन हो, कहाँ पे रहते हो? आपके हाथ में जो चिराग है मैं इसी के अंदर रहता हूँ। चिराग में? ये कोई ऐसा वैसा चिराग नहीं, ये एक जादुई चिराग है। जादुई चिराग? हाँ, जिसके पास भी ये चिराग होता है मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ और उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। वैसे मैं तुम्हें प्यार से क्या बुला सकता हूँ? आका, आप मुझे प्यार से जीनी बुला सकते हैं। जीनी? अरे वाह। तो बताइए मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूँ? मैं आपको सुपरमैन बना सकता हूँ, आप जो चाहे वो खाने के लिए ला सकता हूँ, आप जहाँ जाना चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ। तो बताइए क्या हुक्म है मेरे आका? अभी तो फिलहाल मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है जीनी, कुछ भी आएगा ना मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। जैसी आपकी मर्जी आका। बिटवा, ओ बिटवा। आया ग्रैनी। जीनी देखो, तुम ना मेरी ग्रैनी से छुप कर रहना, उनको तुम्हारे बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? फिकर नॉट आका, उन्हें मेरे बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अरे वाह, मेरे पास एक जादुई चिराग है और जीनी जैसा एक दोस्त भी, मैं उससे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकता हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? गलती से टच हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। आका, क्या आपने सोचा कि आपको कौन सी इच्छा पूरी करवानी है? फिलहाल खाली पेट मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, जब मैं कुछ खाऊंगा ना तो मेरा दिमाग चलने लग जाएगा। तो बताइए आका, आपके लिए क्या पेश करूं? फिलहाल मेरा तरह तरह की आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए आइसक्रीम ला सकते हो? जो हुक्म मेरे आका। आका, मजा आया कि नहीं? मजा ही आ गया जीनी, थैंक यू सो मच। आका खुश तो जीनी खुश। नमस्ते मुन्ना भैया। भैया मैंने सामान निकाल के रख दिया, आप कब तक आएंगे? हाँ ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, बाय।
आका, ये कौन सा यंत्र है जिसे आप कान पर लगाकर बात कर रहे हैं? इसे मोबाइल फोन कहते हैं जिनी। इससे हम लोग बात कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और खूब टाइम पास कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अनोखा यंत्र है। हाँ। बिटवा, ओ बिटवा। ये किसकी आवाज है आका? जिनी, मेरी ग्रैनी ऊपर आ रही है। अब क्या होगा? अरे तुम तो इतने बड़े व्हाइट में, तुम्हें मैं कहाँ छुपाऊंगा? फिकर नॉट मेरे आका। बिटवा, तू किससे बात कर रहा था? मुन्ना भैया से। वो कब तक आ रहा है? वो थोड़ी देर में रद्दी का सामान लेने आ रहे हैं। ओह, चल जल्दी से खाना खाने आ जा। ओके ग्रैनी। जिनी, अरे जिनी तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ आका। अरे जिनी, तुमने तो कमाल कर दिया। आका, आप पूरा दिन घर पर रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते क्या? मेरा बाहर जाने का बहुत मन करता है जिनी, लेकिन ग्रैनी मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देती। ओह नो। बस इतनी सी बात, क्या आप मेरे साथ बाहर घूमने जाना चाहेंगे? हाँ, लेकिन कैसे? जादुई कालीन में। जादुई कालीन? लेकिन ग्रैनी को पता चल जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप चलिए मेरे साथ। ओके। पेश है जादुई कालीन, इस पर सवार हो जाइए आका। अरे वाह जीनी। आका, मजा आ रहा है ना? हाँ जीनी, बहुत मजा आ रहा है। ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। थैंक यू जीनी। यूर वेलकम आका। अरे वाह, आका खुश तो जीनी खुश। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आजकल आप बड़े हवे में उड़ रहे हैं। कहीं मगरू भाई ने मुझे देख तो नहीं लिया? मगरू भाई, आपने कुछ देखा तो नहीं? हम सब देख लिया हूँ, आप एक कालीन पर उड़ रहे थे भैया जी, लेकिन कैसे? अपने दोस्त की मदद से। लेकिन मगरू भाई, ये एक सीक्रेट है, आप किसी को कुछ मत बताना। डोंट वरी भैया जी, आपका ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। तो आप मेरे दोस्त से मिलना चाहेंगे? हाँ जरूर भैया जी। क्या हुक्म है मेरे आका? अरे कहाँ है भैया जी, हमको बचाइए। अरे डरिए मत मगरू भाई, ये जीनी है, मेरा दोस्त। क्या बात है मगरू, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? आज हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, लेकिन वो दूसरे शहर में है, हमको उसकी बहुत याद आ रही है। बस इतनी सी बात, तो फिर ये लो। थैंक यू। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हाँ ग्रैनी। बेटा, मैं तेरे ग्रैंडपा को बहुत देर से फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे अब टेंशन मत लो ग्रैनी, ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक होंगे। रुको, मैं उनको फोन करने का ट्राई करता हूँ। मेरे रूम में आके बता देना, तब तक मैं उसके बाकी दोस्तों को कॉल करके पूछती हूँ। अरे ग्रैंडपा तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ओह नो। जिनी, क्या हुक्म है मेरे आका? ग्रैंडपा का फोन ही नहीं लग रहा है, वो पता नहीं कहाँ पर है। आका, आपके ग्रैंडपा टल्ली होकर गाड़ी चला रहे थे और वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में जेल में बंद हो गए हैं। क्या हम ग्रैंडपा को छुड़ाने चल सकते हैं? जरूर मेरे आका। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं आई है, तुझे टल्ली होकर गाड़ी चलाने से पहले सोचना चाहिए था। बिटवा, तू मुझे छुड़ाने आ गया? मैं आपको सिर्फ ग्रैनी के प्यार की वजह से बचा रहा हूँ, वरना मैंने आपको कभी नहीं छुड़वाना था। Oh, no. आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा बिटवा, प्रॉमिस। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे ग्रैंडपा है, आप इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। इनकी पत्नी आकर गवाही देगी तो ही मैं इन्हें छोड़ूंगा, तुम छोटे हो इसलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। जाओ, इनकी पत्नी को बुला कर लेकर आओ। क्या ग्रैनी,
अरे मैं ग्रैनी को ग्रैंडपा के बारे में कैसे बताऊं? उनको इस बुढ़ाओ के बारे में पता चलेगा ना तो उनका दिल टूट जाएगा। आइडिया। जीनी तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी मेरे आका। इंस्पेक्टर साहब इनकी बीवी यानी मेरी ग्रैनी आ गई है। इंस्पेक्टर साहब मैं इसकी लुगाई हूँ, इस निकम्मे आदमी को इस बार छोड़ दीजिए। इसे जेल से निकाल दो, आखिर मेरी जाना आ ही गई। नालायक निकम्मे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ड्रिंक एंड ड्राइव करने की? ये ले, ये भी ले। अरे बस करो, अरे 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 बस करो ग्रैनी बस करो, बाकी हादसा घर में कर लेना। इंस्पेक्टर साहब आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। इस बार बख्श रहा हूँ, आगे से नहीं छोड़ूंगा। चल बुढ़ो, तेरी पार्टी शार्टी तो मैं घर में ही करती हूँ। अरे इससे अच्छा तो मैं अंदर ही बंद था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलो ग्रैंडपा, घर में ग्रैनी वेट कर रही है। क्या मतलब, घर चलो, बहुत देर हो गई है। गुड मॉर्निंग जीनी। अरे जीनी कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा है? जीनी जीनी, अरे जीनी बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ओह नो, अरे जीनी कहाँ चला गया? अरे किसकी आवाज आ रही है? अरे जीनी तुम यहाँ पर हो? अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता बिटुआ। बिटुआ तुम मुझे आका क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि मेरा आका अब कोई और है। कोई और? कौन? मैं। अब ये तेरी नहीं मेरी बात मानेगा। लेकिन ग्रैनी चिराग तो मेरे पास है। तेरे पास असली नहीं नकली चिराग है जो मैंने जीनी से कह के मंगवाया था। क्या हुआ? यूं कि जब तू सो रहा था तो तेरे पास मैंने चिराग पड़ा देखा, जब मेरा हाथ उस पे लगा तो ये जीनी आ गया और इसने मुझे अपने बारे में बताया। मैंने इसे मस्त हेड मसाज, मैनिक्योर पेडिक्योर सब करवाया और घर का सारा काम इसी ने किया है। एकदम सही कहा मेरी आका। तुम्हारी तो निकल पड़ी जाना, थोड़ी विशेष मेरी भी पूरी करवा देना प्लीज। अब से ये जीनी मेरा हुआ। क्या? नहीं। हाय गाइस, आई होप आपको जीनी की मस्ती देखकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। अभी आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आप भी जीने से मैजिकल विशेष मांगना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।